यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई नारी सशक्तिकरण योजना के अनुसार जहां महिलाओं को किसी भी अपराधों से बचने और अपराधी के खिलाफ आवाज उठाने के बारे में बताया जा रहा है, तो वहीं शामली जनपद की कैराना कोतवाली में तैनात एंटी रोमियो इंचार्ज महिला दरोगा नारी सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए तैनात की गई थी, लेकिन कैराना कोतवाल खुद नारी सशक्तिकरण योजना का दमन कर रहा है, जहां एंटी रोमियो इंचार्ज महिला दरोगा को लोगों के बीच में अपशब्द बोले जा रहे हैं, तो वहीं पीड़ित महिला दरोगा ने कोतवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिस पर जिले के एसपी ने कार्रवाई करने की बात कही है। एसआई अंजू द्वारा थाना प्रभारी के ऊपर ड्यूटी को लेकर के कुछ आरोप लगाए गए हैं, इसके संबंध में इस प्रकरण को संज्ञान में लिया गया है तथा क्षेत्राधिकारी कैराना से इसकी जांच कराई जा रही है। इस प्रकरण में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। थाना कैराना में जनपद सामने मेरी पोस्टिंग है, मैं यहाँ पर 25 जुलाई मेरी पोस्टिंग हुई कांदला थाना से, और यहाँ पर प्रेम राणा जो SHO कैराना है, वे अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं, या फिर मैं अगर कोई बात नहीं मानती उनकी तो फिर मेरी रपट लिख देते हैं, और मैं एंटी रोमियो प्रभारी बनी हुई हूँ उसमें शक्ति नारी सशक्तिकरण में। मैं 7 बजे से रात के 8 बजे तक ड्यूटी करती हूँ, और कभी कभी हमारे साथ में भी जाते हैं किसी उसमें, और 10-10 बज जाते हैं, यानी कि मैं पूरे 16-17 घंटे ड्यूटी करती हूँ, उसके बावजूद भी मुझे निकम्मा कहते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।